दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE की कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दी अंडरटेकर के रिटर्न के बारे में, जो कि बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। और अंडरटेकर कब और कैसे अपना रिटर्न करेंगे ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। इसी के साथ ऑस्टिन थ्योरी के नेम को WWE ने चेंज कर दिया है और ऑस्टिन थ्योरी में से ऑस्टिन वर्ल्ड को हटा दिया है और अब सिर्फ थ्योरी नेम ऑस्टिन थ्योरी का रह गया है। और WWE ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ कोडी रोड्स की वाइफ ब्रेंडी रोड्स भी बहुत जल्द WWE की रिंग में अपना रिटर्न करेगी। और इसके अलावा गाइज WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू रसलमेनिया बैकलेस के लिए एक और मैच मंडे नाइट रो में कन्फर्म हो चुका है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं दी अंडरटेकर के रिटर्न से। तो दी अंडरटेकर WWE की रिंग में अपना रिटर्न नहीं करेंगे, वो WWE नेटवर्क पर अपना डेब्यू या रिटर्न समझ सकते हो आप। दी अंडरटेकर अपना डेब्यू WWE के नेटवर्क पर करेंगे और जो स्टोन कोल्ड का ब्रोकन स्कल सीजन शो है उसके सिमिलर WWE दी अंडरटेकर के लिए एक शो बनाएगी, जहां पर दी अंडरटेकर होस्ट होंगे। और जिस तरह स्टीव ऑस्टिन अपने शो को चलाते हैं, WWE सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स को बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, वैसा ही कुछ दी अंडरटेकर अपने शो पर करेंगे, जो कि WWE नेटवर्क पर स्ट्रीम किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है उन फैंस के लिए जो दी अंडरटेकर को हमेशा देखना चाहते थे। तो WWE नेटवर्क पर अगले 2 से 3 महीने बाद दी अंडरटेकर का शो आने वाला है, जहां पर दी अंडरटेकर होस्ट होंगे। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है उन फैंस के लिए जो दी अंडरटेकर के डाई हार्ड फैन है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो रसलमेनिया बैकलैश 2022 के लिए रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का आईक्यूट मैच फॉर द स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका था और आज मंडे नाइट रो में सेथ फ्रीकिन रोलिंस ने चैलेंज कर दिया कोडी रूड्स को रसलमेनिया रीमैच के लिए। और अब रसलमेनिया बैकलैश के पेपरव्यू में कोडी रूड्स वर्सेस सेथ फ्रीकिन रोलिंस का मैच WWE ने कंफर्म कर दिया है और एक बार फिर हमें इन दोनों के बीच एक फैंटास्टिक मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोडी रूड्स की वाइफ ब्रेंडी रोड्स भी बैक स्टेज में अनस्क्रिप्टेड वर्क कर रही है, लेकिन साथ ही में वो इन रिंग रिटर्न के लिए भी ट्रेनिंग कर रही है और बहुत जल्द WWE की रिंग में अपना रिटर्न करेगी। इसके अलावा गाइज जो ऑस्टिन थ्योरी है मंडे नाइट रो में जो विंस मैकमैन के काफी खास है, उनका नाम WWE ने चेंज कर दिया है। उनका नाम अब सिर्फ थ्योरी है, ऑस्टिन वर्ल्ड ऑस्टिन थ्योरी से हटा दिया गया है और इसके पीछे रीजन है विंस मैकमैन की हेट स्टीव ऑस्टिन के लिए। विंस मैकमैन ने कहा कि ऑस्टिन थ्योरी उनके खास है और ऑस्टिन थ्योरी के नाम में स्टीव ऑस्टिन का नाम आता है और इसीलिए उन्होंने ऑस्टिन वर्ल्ड को ऑस्टिन थ्योरी से हटा दिया और अब सिर्फ थ्योरी नाम ऑस्टिन का WWE ने कर दिया है और आगे से सिर्फ थ्योरी ही कहा जाएगा। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है कॉमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में WWE के इवेंट को लेकर अपडेट आई है कि सितंबर 2022 में WWE अपना इवेंट प्रिंसिपलिटी स्टेडियम में करवाएगी और सितंबर 2022 फिक्स डेट है WWE के इवेंट के लिए और TLC इवेंट पेपरव्यू हमें सऊदी अरेबिया में देखने को मिल सकता है। तो ये थी शॉर्ट वीडियो अपडेट्स की। आई होप कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा, तो इसे लाइक कर सकते हो। इसी के साथ कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे फुल डिटेल में अपडेट्स की वीडियो बनानी चाहिए। मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता ताकि आप लोग फुल देख सको इस वीडियो को, वरना आप लोग 14 से 15 सेकंड देके छोड़ दोगे वीडियो को, इसीलिए मैंने कम मिनट्स की ये वीडियो अपडेट्स की बनाई है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर करना। इसी के साथ कमेंट करके अपने थॉट्स सभी अपडेट्स के बारे में अलग अलग बताना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।